हेलो गाइज, मैं प्रियंका आपका आपके यूट्यूब चैनल अजय कंप्यूटर सेंटर में स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में बनाना सिखाएंगे छोटे छोटे बच्चों को मैंगो। एक हम कोई भी सर्कल टाइप में ले लेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे अपना बैंगल्स लिया है, कोई भी टाइप सर्कल ले लेंगे तो उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। और इस सर्कल में इस तरीके से हम जैसे मैंने पेंसिल से नीचे को शेप दी है, इस तरीके से शेप दे देंगे तो हमारा इस तरीके से एकदम से ईजी मैंगो बन जाए। जिससे बच्चों को मैंगो आर्ट करने में काफ़ी टफ महसूस होता है, काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, उनको मैंगो ड्रॉ करना नहीं आता, तो इस इजी मेथड से वो मैंगो आराम से ड्रॉ कर पाएंगे और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये वीडियो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों उन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है जो मैंगो बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनसे बनता नहीं है। तो इस इजी मेथड से देखो बिल्कुल कितनी अच्छे तरीके से ये मैंगो हमारा बन गया है। और इसमें हमने ऊपर को फिर डंठल बना, एक इसका डंठल जो होता है वो बना दिया, पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर दिया। और आगे हम इसमें क्या करेंगे, कलर करेंगे। हमने इसको ये लीव निकाल दिया है साइड से, और लीव में जो ये जो बीच में लाइन से बनते ऐसे नहीं बनती है, हम इनको नीचे की तरफ बनाते हैं ऐसे। ये राइट होती है। ओके, तो अब हमारा मैंगो ड्रॉ हो चुका है। और हमने जो ये लाइनिंग जो है पेंसिल की लाइनिंग है, इनको थोड़ा जैसे रफ कर दिया जिससे ये कलर में ज़्यादा दिखाई ना दे, और इनको बिल्कुल ही हल्का ड्रॉ कर दें। बिल्कुल बस हमें इतना महसूस होना चाहिए कि बस यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल लाइनें अच्छे से। अब हमने कलर ब्राउन कलर ले लिया है डंठल में, डंठल को ब्राउन कलर से फिल कर देंगे अच्छे से। हम इसको फिल कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से फिल करेंगे डंठल में अच्छे से। देखिए, और इसके बाद हम इसको फिनिशिंग अच्छे से डार्क करते फिनिशिंग दे देंगे। और उसके बाद हम नीचे मैंगो में करेंगे। हमने येलो कलर ले लिया, पहले येलो कलर से अच्छे से नीचे तक शेड देंगे, और नीचे का थोड़ा सा पार्ट जो है उसको छोड़ देंगे। वो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें ग्रीन से फिल करना होगा, क्योंकि मैंगो जब पकने लगता है तो नीचे थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है, तो वो टच हम इसमें दिखाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। बच्चों को कलर करना भी अच्छा लगेगा इस तरीके से इसमें। तो बस थोड़ा सा बस आप अब अवॉइड करिए, जो भी ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, ये बच्चे ने पकड़ा हुआ है कैमरा, इसलिए थोड़ा सा बच्चे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो कैमरा वो हिल रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें ऑरेंज कलर ले लिया। येलो कलर करने के बाद हमने थोड़ा सा ऑरेंज की टच देंगे जिससे थोड़ा सा वो डार्क सा दिखाई दे। ठीक है, और इसको फिर अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर देंगे जिससे थोड़ा सा ये कलर मिक्स हो जाए। अब हमने येलो कलर दोबारा से ले लिया, अब इसको फाइन थोड़ा डार्क टच देंगे दोबारा से। अगर हम इसमें दोबारा से शेड देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा डार्क शेडिंग आ जाएगी, डार्क में आ जाएगा। तो हम इस तरीके से डार्क, देखो इसको डार्क हो गया है, तो हम इस तरीके से इसको डार्क कर देंगे, हल्का हल्का नीचे तक लेकर लेते जाएंगे। और जहाँ पर हमें दूसरा कलर लेना है तो वहाँ पर हम थोड़ा लाइट ऊपर से एक शेड को करते हुए थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे। अब हमने ग्रीन कलर ले लिया, ग्रीन से नीचे से ऊपर के लिए हम ग्रीन शेड करेंगे। उसमें जो हमने येलो लाइन छोड़ी है, येलो कलर छोड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, इस तरीके से करते जाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को मैं इतना कहूँगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं वीडियो डालती रहूं। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अभी टाइम की कमी की वजह से, मैं वीडियो डाल पाती हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं और जी और गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही हूं, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं इतना नहीं मिल पाता है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए। और इस तरीके से हमने कर दिया, फिर येलो से हम दोबारा फिनिशिंग देंगे येलो कलर से। अब इससे अच्छा हम नीचे तक इस येलो कलर को थोड़ा सा ग्रीन कलर में ब्लेंड कर देंगे। अभी ग्रीन कलर से हम इसको ग्रीन कलर से लीव बना देंगे, थोड़े से इसमें ब्राउन टच भी देंगे कि थोड़े से जब अपन लीव होते तो हल्की हल्की ब्राउन से भी होते, तो हल्का सा ब्राउन टच दे देंगे। ब्राउन टच देते हुए फिर ग्रीन से इसको अच्छे से फिल कर देंगे, इस तरीके से लीव को अच्छे से फिल कर देंगे। आप भी इस तरीके से अच्छे से इसको फिल करिए। वह थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है और हो सकता है बैकग्राउंड में भी नो वॉइस आए, थोड़ा सा उसको भी अवॉइड करिए। बस थोड़ा सा कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि बच्चे ने पकड़ा हुआ है, बच्चे से अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसमें कैमरे को,
वो नहीं पकड़ पा रहा है फ़ोन को, तो इसलिए आप ऐसे इस तरीके से मैंगो बनाए, बच्चों को मैंगो बनाना सिखाएंगे तो बहुत इजीली बच्चे मैंगो बनाना सीख जाएंगे और बच्चों को कभी मैंगो टफ़ नहीं लगेगा और वो इजीली अच्छे से हंसते हंसते मैंगो बनाया करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इस इजी मेथड से आपके लिए बटरफ्लाई लेके आऊँगी। बटरफ्लाई कैसे बनाएं बच्चों को बटरफ्लाई, वो देखे हमारा ये कम्प्लीट हो गया है। अब हमने ब्राउन से इसमें लास्ट में ये थोड़ा सा डेंटल में टच दे, ब्लैक से थोड़ा सा डार्क टच दे दिया है जिससे थोड़ा सा, और अब येलो से इसमें फाइनल टच दे देंगे थोड़ा सा जिससे डार्क दिखाई दे। अच्छे से हम इसमें टच दे रहे हैं, अच्छे से इसको ब्लेंड, हमें जो येलो कलर है और ग्रीन कलर इसको मिक्स करना है। अब हमने क्या करा है, कलर का जो आगे का पार्ट जो ये होता है हमने शार्पनर से इसको साफ करके इसको अच्छे से इसमें ब्लेंड कर दिया जिससे ये कलर आपस में ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप भी करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा साइड से फाइनल टच देने के लिए थोड़ा डार्क शेड से थोड़ा सा इसको उभार दे देंगे, जो जिसकी जो आउटलाइन है इनको हम थोड़ा सा उभार दे देंगे जिससे ये अच्छे से उभर के आ जाए। इस कलर इस तरीके से हम सारे येलो ग्रीन सारे कलर लेके सब कलर का लेके तो इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा हमारा ब्लैक सपन आ गया इसमें, इस तरीके से येलो से या आप ऑरेंज से थोड़ा सा इसको, ऑरेंज से आप ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑरेंज से थोड़ा सा साइड से ऑरेंज से टच दे, क्योंकि ऑरेंज थोड़ा डार्क आएगा और थोड़ा सा उसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन मिक्स कर देते तो क्योंकि डार्क शेड आ जाएगी तो उसमें थोड़ा सा उभार आएगा और वो मैंगो थोड़ा ऐसा लगेगा, रियल सा लगेगा उसमें। अगर हम थोड़ा सा डार्क टच देते हैं साइड में आउटलाइन पर तो वो थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव सा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैगो कंप्लीट हो गया। अब ये सबको अच्छा लगे।